हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है, डैट इज पार्स नर्वोसा। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, दो पार्ट्स पिट्यूटरी ग्लैंड के इस डायग्राम में दिखाएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है इसका पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यही हमें पढ़ना है इस वक्त। तो दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, बोथ दीज पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आर कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस। बाय द पिट्यूटरी स्टॉक, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमेशा सेंसिटाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में, जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा भी बताया आपको, ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लिए बोलते हैं, तो वही सेंसिटाइज करते हैं ये हॉर्मोन्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने दो न्यूक्लिए दिखाए ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स के, तो एक को बोलते हैं हम, वन इज कॉल्ड सुप्रा ऑप्टिक, अदर इज कॉल्ड पैरावेंट्रिक्यूलर, पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियस, राइट। तो ये दोनों न्यूक्लिए जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, और इन्हीं के न्यूरॉन्स के जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो लीड करते हैं इनटू द नर्व fibers lead into the posterior pituitary. अब posterior pituitary में जब ये पहुँचते हैं तो इनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, मैं यहाँ दिखाऊँगा, इस कलर से दिखाएंगे, इनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो नर्व एंडिंग्स टर्मिनेट होती हैं यहाँ की कैपलरीज पे। जो posterior pituitary में कैपलरीज होती हैं, ब्लड कैपलरीज, तो इन्हीं पे ये टर्मिनेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक ब्लड कैपिलरी दिखाई, तो इसके जो नर्व एंडिंग्स होते हैं तो वो इन्हीं पर टर्मिनेट होंगे, ताकि जो भी यहाँ से हार्मोन सेंसिटाइज होंगे, अभी इनका नाम भी बताएंगे आपको, तो वो डायरेक्टली सिक्रीट हो जाएंगे कहाँ, इन कैपिलरीज में। What does that mean? That simply means कि ये जो posterior pituitary हैं ये अपने कोई hormones नहीं बनाता, इसकी जो cells होती हैं उनको हम बोलते हैं pituicytes, ये pituicytes सिर्फ क्या करती हैं, ये they are just supporting structures for these nerve endings or these nerve fibers. तो खुद ये कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाती इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, आप हमेशा के लिए याद रखोगे, वो आते हैं कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। और अगर आपको डिटेल्स भी याद रहें तो वहाँ हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्ले होते हैं, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और दूसरा है पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियस। अब ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं एडीएच, यानी मेनली यही हार्मोन ये सिक्रीट करता है। और ये जो पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियस होता है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, OXY। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से मेनली सिक्रीट होता है, पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियस से, ओके। लेकिन ऑक्सीटोसिन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से भी सिक्रीट होता है, बहुत कम, डैट मीन्स 1/6 ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रीट होगा, सुप्रा ऑप्टिक से। और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस मेनली क्या सिक्रीट करता है, एडीएच, और एडीएच का 1/6 निकलता है कहाँ से, पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियस, एडीएच, ओके। एक सेकेंड,
डैट मीन्स असल में ये दोनों हार्मोन सिक्रीट कर पाते हैं दोनों न्यूक्ली, लेकिन सुपरा ऑप्टिक ज़्यादातर ADH और पैरावेंट्रिक्युलर ज़्यादातर ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है। तो यही दो हार्मोन्स हमें अच्छी तरह डिस्कस करने हैं आगे। तो आपने याद रखा कि ये कोई हार्मोन खुद नहीं बनाता पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बात करते हैं पहले ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है फीमेल्स में, डैट मीन्स इट कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ प्रेगनेंट यूट्रस। तो ये क्या करेगा, इट कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ प्रेगनेंट यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान ये देख माना गया है कि ये कंट्रैक्शन में मदद देता है, यानी ये कंट्रैक्शन कराता है यूट्रस को। तो बहुत सारे ऑथर्स इसको पार्शली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, किसके लिए, यानी बर्थ के लिए। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन भी कहते हैं इस वजह से इसको, राइट। तो इसकी यूट्रस की कंट्रैक्शंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ जेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी के एंड पे ज़्यादा बढ़ जाती हैं फिर। तो नेक्स्ट जो इसकी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डैट इज मिल्क इजेक्शन। ओके, तो इट कॉजेज मिल्क इजेक्शन from mammary glands, in female breasts, right? तो अब जब birth हो गई बच्चे की तो उसको milk भी चाहिए, यानी lactation के लिए secrete होता है इसमें mother में oxytocin। तो oxytocin कैसे मदद देता है milk ejection में, तो वो हम देखेंगे एक डायग्राम की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, तो जब भी बेबी सक करता है, सकल करता है निप्पल्स ऑफ द मदर, तो इनसे एक सेंसेशन नर्व इम्पल्स जाती है टुवर्ड्स हाइपोथैलेमस, राइट। तो हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल मिलती है कि आप ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, तो हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। अब ऑक्सीटोसिन आगे क्या करता है, ऑक्सीटोसिन दरअसल कंट्रैक्शन कराता है मायोएपिथेलियल सेल्स की। वो क्या है वो अभी समझ आएगा आपको, कि ये जो ब्रेस्ट्स होते हैं इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज स्मॉल एल्वियोले, इनको हम एल्वियोले बोलते हैं, सिंगुलर हो गया एल्वियोलस। अगर हम एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर देखें यहाँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बनाऊंगा एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर, तो ये है एल्वियोलस का स्ट्रक्चर। इसमें आप देखोगे कि इसमें ये सेल्स जो आपको नजर आती हैं जो मैंने रेड से बनाई, तो ये इनके न्यूक्लियस, दीज आर मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं मिल्क, राइट। तो ये हो गया मिल्क, स्मेल, इट्स मिल्क। बट ये तभी सिक्रीट करेंगे मिल्क जब इसके इर्द गिर्द ये जो सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स, ये जब कंट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इनको कंट्रैक्ट कौन कराता है, इनको कंट्रैक्ट कराता है ऑक्सीटोसिन। डैट मीन्स जो मिल्क बनाया था किन्होंने, मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स ने। अब वो इन्हीं में था, मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स में ही, लेकिन जब ऑक्सीटोसिन आया तो ऑक्सीटोसिन ने एक्ट किया किन पे, मायोएपिथेलियल सेल्स पे। तो ये ऑक्सीटोसिन अटैच हो गया मायोएपिथेलियल सेल्स पे, तो मायोएपिथेलियल सेल्स ने कंट्रैक्ट किया, उस कंट्रैक्शन की वजह से ये जो एल्वियोलस हैं ये कंट्रैक्ट हो गया। अब ये जो जब ये कंट्रैक्ट हो गया तो इन सेल्स में जो मिल्क था वो फ्लो होने लगा इस कैविटी में थ्रू, और फिर एक डक्ट के थ्रू बाहर आने लगा।
तो इस प्रोसेस को हम बोलते ही हैं, इट्स कॉल्ड मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्शन, सिंपली मिल्क इजेक्शन भी बोलते हैं इसको। तो ये प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीटोसिन। इस तरह आपने सीखा कि ऑक्सीटोसिन एक मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है, राइट। बात करते हैं वैसोप्रेसिन की, या जिसको हम ADHP बोलते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये दूसरा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन करता है, ये एक्ट करता है किडनीज पे, डैट मीन्स किडनीज के निफ्रॉन्स पे, राइट। अब ये वहाँ क्या करेगा? इसका फंक्शन बिल्कुल सिंपली और सिंपल तरीके से आपको समझ आएगा। जब भी ADH सिक्रीट होता है, ADH, तो जो ही ये प्रेजेंट होता है ब्लड में, इट कॉजेस रीएब्जॉर्बेशन। रीएब्जॉर्बेशन ऑफ व्हाट? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, राइट। सो ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ आएगा, राइट। फॉर एग्जांपल, जब हम ज़्यादा वाटर ड्रिंक करते हैं, राइट, हमने ज़्यादा वाटर ड्रिंक किया तो यूरिन ज़्यादा पास आउट होगा। इसी तरह अगर हमने कम वाटर ड्रिंक किया, तो यूरिन आउटपुट जो होगा वो भी कम होगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा है। अब ये कैसे होता है किडनी में? डैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल, एक सिचुएशन हम लेते हैं, हमने कम वाटर ड्रिंक किया है, बहुत देर से हम वाटर ही नहीं पी रहे हैं, तो यूरिन भी कम ही पास होगा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन में है। अब किडनी इसको कैसे हैंडल करती है? जब हमने कम वाटर यूज़ किया, कम वाटर है हमारे ब्लड में, डैट मीन्स ये जो हमारा ब्लड है, ये क्या होगा, डाइल्यूटेड या कंसनट्रेटेड? ये कंसनट्रेटेड बनेगा, राइट। तो ब्लड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। जो ही ब्लड की कंसनट्रेशन बढ़ती है, तो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है ADH। ADH का मतलब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, यानी यूरिन पास मत करो, राइट। तो ADH जो ही निकलेगा, ADH की सिक्रीशन तेज होगी, यानी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से यूरिन कम निकलेगा। यूरिन को हम कम रखेंगे, यहाँ ये कम हो गया, ओके। तो अब कैसे कम होगा? क्योंकि मैंने बताया आपको ADH का फंक्शन, वो क्या है कि वाटर को जाने मत दो यूरिन के साथ, वाटर को वापस क्या करो आप, रीएब्जॉर्ब। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वापस होगा रीएब्जॉर्ब किस वाटर, किस में? ब्लड में, राइट। होप आपको ये समझ आ गया, ये बिल्कुल सिंपल है। ब्लड की कंसंट्रेशन जो ही बढ़ गई, ADH सिक्रीट होगा, तो ADH क्या करता है, इस ट्यूब्यूल्स को परमेबल बनाता है वाटर के लिए, तो वाटर वापस रीअब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में। और जब वाटर वापस रीअब्जॉर्ब होगा, तो यूरिन के साथ क्या, बहुत कम वाटर जाएगा, कंसनट्रेटेड यूरिन सिक्रीट होगा, तो यूरिन विल बी लेस, यूरिन का अमाउंट क्या होगा, लेस। तो अगर ये आपको समझ आ गया, तो रिवर्स भी आपको समझ आएगा कि वाटर हमने, अब थोड़ा रिवर्स भी देख करके देखते हैं। ये है हमारे पास रिवर्स सिचुएशन, हमने बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक किया, राइट। तो जब हमने ज़्यादा वाटर ड्रिंक किया, एक्सपेक्ट करते हैं हम टू पास मोर यूरिन, तो ज़्यादा यूरिन पास होगा, राइट। अब देखते हैं, जो ही हमने ज़्यादा वाटर यूज़ किया, तो
तो ब्लड की कंसंट्रेशन क्या होगी, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट ब्लड एक सिग्नल है एडीएच के सिक्रीशन के लिए कि एडीएच की सिक्रीशन कम होनी चाहिए, या एडीएच की सिक्रीशन मान लीजिए स्टाफ हो गई इससे। अब एडीएच क्या करता था, अगर आपको इसका फंक्शन याद है, ये रीअब्सॉर्ब करता था वाटर को इन डिस्टल टिब्यूल्स से या कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता था। अब जब एडीएच ही नहीं निकला, रीअब्सॉर्ब होगा वाटर? नहीं, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। जब वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वाटर विल फ्लो विद द यूरिन। तो वाटर कहाँ जाएगा, वो यूरिन के साथ निकलेगा, राइट? इट विल फ्लो विद द यूरिन। तो यूरिन का अमाउंट क्या होगा, यूरिन ज़्यादा होगा या कम? यूरिन का अमाउंट ज़्यादा होगा, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब एडीएच नहीं निकलता तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि एडीएच तो होता ही है किस चीज़ के लिए, रीअब्सॉर्ब करने के लिए। जब वही नहीं है तो कौन रीअब्सॉर्ब करेगा, तो यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, राइट? होप आपको ये समझ आ गया। अब एक पेशेंट की कंडीशन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पेशेंट आया कि उसमें एडीएच ही नहीं निकलता, डैट मीन्स एडीएच डिफिशेंट है, राइट? एडीएच एब्सेंट है इसमें। अब बताइए, एडीएच जब एब्सेंट होगा तो यूरिन का कंटेंट, अभी आपने सीखा, ये ज़्यादा होगा, राइट? क्योंकि रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है वाटर, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो जितना भी वाटर है वो सीधे जाता है कहाँ, यूरिन के साथ। यानी यहाँ देखिए, इसको ज़्यादा ड्रिंक करना पड़ रहा है और वो ज़्यादा वाटर यूरिन के साथ निकल रहा है। ये ड्रिंक कर रहा है और यूरिन के साथ ये फ्लो हो रहा है ये वाटर, क्योंकि ये रीअब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, इट्स कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, इसमें डिक्रीज्ड रीअब्सॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो इसमें पेशेंट को डायूरेसिस होता है, डैट मीन्स उसको बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, और चूंकि वाटर तो रुकता नहीं, उसको ज़्यादा प्यास भी लगती है, पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया होता है इसमें, पॉलीडिप्सिया का मतलब हो गया उसको इंक्रीज्ड थर्स्ट होती है, राइट? अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है, देयर इज़ नो शुगर इन यूरिन। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये जो डायबिटीज इंसिपिडस हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ डायबिटीज जिसमें शुगर होता है। उस डायबिटीज़ को क्या बोलते हैं हम, डायबिटीज मिलाइटस। तो वहाँ तो शुगर प्रेजेंट होता है, राइट? तो डायबिटीज इंसिपिडस में कोई शुगर नहीं, देयर इज नो शुगर इन द यूरिन इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। बट इन केस ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, जो इंसुलिन के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम आगे सीखेंगे, तो उसमें शुगर प्रेजेंट होता है यूरिन के साथ भी, और शुगर लेवल्स हाई होती हैं ब्लड में, राइट? सो दिस वाज अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके दोनों हार्मोन्स हमने किसी लेवल तक डिस्कस किए, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान एक छोटा सा लोब होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। तो इंटरमीडिएट लोब एक हार्मोन सिक्रीट करता है, डैट्स कॉल्ड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये मेलेनोसाइट्स को
स्टिमुलेट करता है और ये फिर रिस्पॉन्सिबल होती हैं पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए। इस पे ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं है, तो ये जो इंटरमीडिएट लोब हैं ये ह्यूमंस में बहुत रिड्यूस्ड होता है और ये ऑलमोस्ट मर्ज हुआ होता है इस इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, पार्स डिस्टेलिस के साथ, पार्स डिस्टेलिस, राइट। लेकिन बाकी वर्टिब्रेट्स में ये फंक्शनल अच्छी तरह होता है, लाइक फिशेस और एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस तो वहाँ इनका अच्छा रोल होता है इन द डार्कनिंग ऑफ स्किन, डार्कनिंग ऑफ द कलर। सो होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन ही है, राइट, दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन आल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।